नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा दो एक छोटा कंपनी के बारे में। मतलब दो ही कंपनी जो है वो दोनों कंपनी ही स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं, तो उनमें से दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो फ्यूचर में आपको मल्टीपल का रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। डिटेल्स वीडियो डिटेल्स किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग अगर परफॉर्मेंस बन रहा है वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही ट्रेड आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कंपनी का प्राइस देखिए 100 रुपीज़ के आसपास है, और कंपनी का भी जो करंट फिगर है अगर आप एक साल के देखेंगे तो लॉसेस, 5 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम चार्ट में ओपन कर दूँ तो 650% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में जब मंदी आया था तब उस टाइम में अच्छा खासा पिटाई देखने को मिला था। क्योंकि सबसे पहली बात, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी जैसे मारुति हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के ऊपर भी 2018 के बाद ऑटो सेक्टर के मंदी आने के कारण बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। और कोविड के बाद बहुत तेजी से बूम देखने को मिला, तो वही नजरिया यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो कंपनी में कितना खासियत है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात याद रखना, कंपनी 4,170 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो सस्पेंस बनाने के लिए, मतलब आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट क्या है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट के डिटेल्स देखेंगे तो रेयर एयर सस्पेंशन। तो रेयर एयर सस्पेंशन का मतलब क्या है, देखिए गाड़िया में सस्पेंशन लगाए जाते हैं जो जर्किंग होते हैं गाड़िया में, तो उसको कम करने के लिए, तो गाड़ी का जो स्मूथनेस है उसको ठीक रखने के लिए। मान के चलिए किसी भी रास्ते में जा रहे हैं, उबड़ खबड़ रास्ते हैं और बहुत सारे मतलब देखा जाए तो बम्पर्स भी दिया गया है, बहुत सारे रास्ते खराब, इंडियन रास्ते आप सभी जानते हैं किस तरीके से खराब रास्ता होता है, तो उस जगह पे देखने को मिलता है, उस जगह पे गाड़ियां बहुत ज्यादा जर्किंग होते हैं, तो उसके लिए सस्पेंशन लगाए जाते हैं। तो एयर जो रेयर एयर सस्पेंशन से जो नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, जो प्रोडक्ट गाड़ी को एकदम स्मूथ के जैसा आपको देखने को मिलेगा, कोई भी आपको जर्किंग नहीं लगेगा। तो साथ ही साथ आप देखेंगे लेफ्ट जो एक्सल है उसको भी कंपनी बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, आप कहेंगे सर कि इस प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में रहेंगे। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, गाड़ी चाहे आप पेट्रोल के लो, चाहे आप डीजल के लो, चाहे वो आप ईवीज के लो, चाहे वो आप सोलर के लो, तो किसी भी गाड़िया लो, हर कोई गाड़िया में आपको मतलब गाड़ी में जो बॉडीज है उसमें आपको सस्पेंशन लगाए मतलब लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपनीज का ग्रोथ ऑब्वियसली फ्यूचर में है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी का जो जो प्रोडक्ट है वही आपके सामने इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी का प्रोडक्ट जानना है। प्रोडक्ट जाने बिना उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो रही बात कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का जो मतलब कस्टमर है वो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर आपको शो किया जा रहा है। तो कस्टमर को ध्यान से देखेंगे, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो रेनॉल्ट हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो वॉल्वो हो, तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स, तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का महिंद्रा से लेकर सुजुकी से लेकर फोर्स से लेकर एएमडब्ल्यू से लेकर तो मिशन से लेकर तो मैन से लेकर, तो इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी को वो कस्टमर बना के रखा। तो इस कंपनी का स्टेम जो है फ्यूचर विजन के लिए ठीक ठाक बैठते हैं। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी एक छोटा सा कंपनी है और कंपनी का प्राइस भी रिजनेबल में देखने को मिला, बुक वैल्यू भी चलो ठीक है, कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक लेवल में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस लेवल में देखने को मिला। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे चुके हैं। अगर कंपनी का अभी 10 रुपये फेस वैल्यू होता तो कंपनी 1,000 के ऊपर प्राइस आपको देखने को मिल जाता। तो कंपनी का देखिए एनुअली इनकम 141 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, 0.18% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो ऑब्वियसली एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के जो डेटोस डे है वो 61 है और कंपनी के एंटरप्राइजेस वैल्यू 4,500 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज यही बता रहा है कि 86.6% के आसपास कंपनी जितना इंटरेस्ट दे रहा है
उससे 86% गुना कंपनी रिटर्न कमा रहा है। तो अच्छी बात है, कंपनी के रिटर्न ऑफ एसेट कंपनी के एसेट में 12% के आसपास रिटर्न कमा रहा है। तो हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर देखिए, छोटा कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन ज्यादा आपको दिखेगा ही, ऐसे नहीं कि कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा नहीं दिखेगा, ये बात आपको याद रखना है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, देखिए कंपनी का सबसे पहली बात सेल्स ग्रोथ, कंपनी का हर साल में सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है। कभी बीच बीच में सेल्स ग्रोथ उसी लेवल में है जैसे 1100-2000 करोड़ के आसपास। कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और कंपनी के देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओपीएम। देखिए ओपीएम हमेशा कंपनी एक ही रेंज में रखा है, 9 से 12% के आसपास, 9 से 13-14% के आसपास। बीच में एक बार कंपनी का ओपीएम अच्छा खासा देखने को मिला था 2017 में, उसके बाद फिर से ओपीएम डाउन हुआ, तो फिर भी 12% के आसपास है, अच्छी बात है। कंपनी सारे पैरामीटर्स को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट भी मेंटेन किया, इसलिए कंपनी आपको धमाका जैसे रिटर्न दिया 10 साल और 3 साल में। तो कंपनी के ऐसे रिटर्न दे दिया ऐसे बिल्कुल बात नहीं, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा वीकनेस है, फिर भी कंपनी कोशिश कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो इस कंपनी में नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो मुझे सबसे जो नेगेटिव पॉइंट बेस लगा वो है कंपनी का, जितने कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है कि मेरे इतना प्रॉफिट हुआ माल बेचने के बाद, देखिए आप कोई भी माल बेच रहा है उसके बाद आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली आपको प्रॉफिट कितना हाथ में आया वो दिखाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे तो कंपनी 100 करोड़-1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, तो अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में बहुत पैसा दिखा रहा है कि इतना पैसा मुझे आने वाला है, तो कंपनी उतना पैसा लेके नहीं आ पाए लास्ट 3 सालों में। तो यहाँ पे मुझे वीकनेस देखने को मिला है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो पहले प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है, FIs के पास भी जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है, मगर DS के पास जितना होल्डिंग था आज वो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, तो पब्लिक ने इसका होल्डिंग थोड़ा सा कम कर चुके हैं। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइन देना चाहूंगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी में स्ट्रेंथ है, हायर रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद फिर से वही रेंज में रिटेस्ट कर रहा है, तो एक अगर ऊपर साइड में जाए तो एक बड़ा रैली फिर से देखने को मिल सकता है। तो बाकी जब कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी का ग्रावर एंड वाइल इंडिया लिमिटेड, जो एक ऑटो सेक्टर के ऊपर ही काम करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2021 में और तब से लेकर कंपनी सिर्फ के सिर्फ 70% का रिटर्न दिया। कोई बात नहीं, कंपनी छोटा है, 2555 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी 100 रुपीज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो 100 रुपीज के नीचे कंपनी ट्रेड। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो आपको दिखा दूं, तो देखिए कंपनी का जो नाम है आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी केमिकल सेगमेंट में भी काम करते हैं, इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी काम करते हैं, पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं और लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। देखिए लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, लुब्रिकेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखिए गाड़ी में जो लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है तो उसी के प्रोडक्ट भी इसी कंपनी बनाते हैं। कंपनी का 60 ईयर पुराना कंपनी की एक्सपीरियंस है और कंपनी का 100 से भी ज़्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑल ओवर कंट्रीज में, और कंपनी का 800 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड चलते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा हैप्पी कस्टमर है इसका। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, ऑटो इंसिलरीज, तो ऑटो इंसिलरीज मतलब ऑटो के जितने सारे कंपोनेंट्स है उसको कंपनी का पेयर पार्ट्स बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देखिए सैनिटरी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी एरोस्पेस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी के बारे में आपको जानना है पहले, उसके बाद आप कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। देखिए इसका कस्टमर कौन सा है, जिसको कस्टमर को कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं उनमें से दिग्गज कंपनी महिंद्रा, साथ ही साथ आप देख सकते हैं डोरसेट, टाटा, गोदरेज और भी बहुत सारे कंपनी से, जैसे देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एरोस्पेस के ऊपर लीडिंग कंपनी है, रेलवे, इंडियन रेलवे तो वो भी इसका कस्टमर है, साथ ही साथ देखिए इसरो जैसे इतने बड़े रिसर्च सेंटर इसका कस्टमर है। तो इसका कस्टमर बेस भी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी छोटा हो सकते हैं फिर भी कंपनी में कस्टमर बेस बहुत अच्छी तरीके से बना है, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखता हूँ क्योंकि कंपनी में एक स्ट्रेंथ मुझे दिखने को मिलता है। तो कंपनी रियलिटी से लेकर लुब्रिकेंट, पेंट, इंजीनियरिंग, केमिकल हर सेक्टर के ऊपर बने हुए हैं। रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल रिटर्न्स के बारे में, तो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत छोटा है, कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक है, कंपनी का प्राइस 100 से आसपास है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के आसपास है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.5 रुपीज के आसपास है।
मुझे उतना खास अर्निंग पर सेल देखने को नहीं मिला। प्रोमोटर के पास 69% होल्डिंग है। वैल्यूएशन यही बता रहे कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स से लेकर कंपनी का पैग रेशियो दोनों ही वैल्यूएशन को ज़्यादा देखने को मिला है। इन इन मतलब इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करें तो कंपनी जितने इंटरेस्ट दे रहा है उस हिसाब से कंपनी 53 टाइम्स रिटर्न कमा रहा है। अच्छी बात हो, क्योंकि देखिए कंपनी के पास कोई कर्जा ही नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्ट वो कमा पा रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट एसेट में कंपनी 9.5% के आसपास पैसा कमा रहा है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा देखने को मिला 3 सालों में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, कंपनी जिस तरीके से सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को मेंटेन किया, और देखिए ओपीएम भी कंपनी का 15 से 16% कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है। तो यही खासियत है इस कंपनी का, तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट किया और प्रॉफिट भी जनरेट किया और आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल में अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। रही बात कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, तो ये चीज़ हम आपको मैं हमेशा दिखाता हूँ कि कंपनी कितना प्रॉफिट खाते में दिखाया और कितना पैसा खुद के पास आया। तो कंपनी जो प्रॉफिट दिखाया लास्ट 2 सालों में 100 से 122 करोड़ के आसपास, एक्चुअली कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं आया। तो 2021 में तो ठीक ठाक आया था, 2022 में 50% प्रॉफिट आया है, मतलब हाथ में पैसा आया है। रही बात इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर देखिए प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी, 2155 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इतना छोटा कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद FIs और DIs उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं करते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो कंपनी में स्ट्रेंथ, लॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला। मैं इस रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था यहाँ पे, तो उसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए था, मगर मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि ये जो स्टॉक में बहुत देर से वॉच किया, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये था दो कंपनी का न्यूज़। तो मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।